जांजगीर चांपा के नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत खिसोरा से खास खबर आ रही है। ग्राम खिसोरा में आए प्रवासी मजदूर भाई जो तकरीबन 15 लोग हैं, जहां शासकीय नवीन पूर्व प्राथमिक शाला को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और वहां की देखरेख का जिम्मा ग्राम पंचायत को दिया गया है, जिसमें भोजन पकाने के लिए वहीं की महिला सहायता समूह जो पूर्व से ही स्कूल में खाना पकाती थी उन्हीं को जिम्मा दिया गया है। वहां उपस्थित पंच द्वारा बताया गया कि उस समय उनकी ड्यूटी लगी है। सरपंच और उप सरपंच और पंच मिलकर स्वयं लकड़ी तोड़ते नजर आए, जो लकड़ी प्रवासी भाइयों के भोजन पकाने में इस्तेमाल किया जाना था। खाने पीने और रहने की अच्छी व्यवस्था ग्राम पंचायत खिसोरा के सरपंच सहयोगियों द्वारा की गई है, जिस बात को स्वयं वहां रहने वाले प्रवासी मजदूर भाई बोल रहे हैं। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। पूरी खबर जानने के लिए देखिए जांजगीर एक्सप्रेस 07 न्यूज छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर बालेश्वर का सब भूपेंद्र यादव के साथ। कौन जामा खिसोरा के यहाँ के अब समझ हमारी व्यापारी बात है। यहाँ भी काकर काकर ड्यूटी लगे हुई है। यहाँ कोटवार के है और हम लोग कुछ देखे तो अभी जो कोटवार है सरपंच वगैरह है वो सब कहाँ गए है? वो मन अभी गए वो मन लकड़ी फरवा गए है। कौन है सरपंच है उप सरपंच है और पंच मन है सब कोटवार है। कोटवार अभी खाना खा का ही है। अभी तत्काल में जो ड्यूटी में लगाए गए है उमर से कौन कौन यहाँ उपस्थित है जो मतलब ड्यूटी में लगाए गए? अभी मच्छर है। अच्छा अच्छा आप ड्यूटी लगाए गए। हाँ।